Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, all... हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। आज बनाएंगे हम सोयाबीन की सब्जी। इसके लिए मैंने कुछ सब्जियां जो सामान इसमें उपयोग होने वाला है उसको मैंने काट के रख लिया है। देखिए यहाँ पे मैंने काटी है 2 प्याज और 1 आलू और यहाँ पे 2 टमाटर काटे हैं मैंने, और अदरक मैंने काटी है बड़ी बड़ी, क्योंकि अदरक खाना बहुत ही ज़रूरी है हेल्थ के लिए, क्योंकि अदरक से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और हमने यहाँ पर 1 गांठ ली है लहसुन की, और लहसुन को मैंने छीला नहीं है बल्कि साबुत रखा, आप चाहें तो लहसुन को छील सकते हैं। और साथ साथ मैंने ली है सोयाबीन, ये कम से कम 50 से 60 ग्राम सोयाबीन है। ये मैंने शाम को भिगो दी थी, आप चाहें तो इसको इंस्टेंट उबाल भी सकते हैं तो ये सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए कितनी सॉफ्ट हो रखी है। और मैंने लिया है यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लूँगा मैं, और आपका ये जीरा, और यहाँ पे कुछ मसाले लिए हैं मैंने, जैसे यहाँ पे ये है आपका धनिया पाउडर 1 स्पून है, और ये मिर्च है 1/2 स्पून, और आपका हल्दी 1 स्पून, और ये थोड़ी सी मैंने काली मिर्च को कूटा है। और साथ साथ हम लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो दोस्तों इसको बनाने के लिए मैंने लिए ये कढ़ाई, और कढ़ाई में डालूंगा मैं ये वाले 2 चम्मच तेल। इस तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो दोस्तों तेल हो गया अच्छे से गर्म, इसमें हम डालेंगे 1 स्पून जीरा। इसके बाद हम डालेंगे दोस्तों लहसुन, ये लहसुन, इसके बाद डालेंगे दोस्तों इसमें प्याज, इन सभी को अच्छे से भूनना है। देखिए दोस्तों प्याज भून के हमारी एकदम रेडी हो गई है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर, और साथ साथ डाल देंगे हम ये जिंजर, और देखते हैं इसको अच्छे से मिलाना है। मिलाने के साथ इसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। दोस्तों हमारी प्याज, ये प्याज टमाटर मिलकर तैयार हो गए। इसके बाद हम डाल लेंगे इसमें ये मसाले, इनको भी खुश मिलाना है, भूनना है। देखिए फ्रेंड हमारे मसाले अच्छे से भून रहे हैं, थोड़ा सा पानी मिला देंगे ताकि ये चिपके ना नीचे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मसाला भून के हो गया हमारा तैयार। इसमें डालेंगे हम 1 आलू, 1 आलू मैंने काटा है थोड़ा बड़ा बड़ा काटा है, इसको डालेंगे। और इसके बाद डालेंगे इसमें दोस्तों हम की सोयाबीन, और इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। और हमको सोयाबीन सूखी सूखी बनानी है, इसको हम पूरी के साथ अच्छे से खा सकते हैं। अच्छे से मिलाना है फ्रेंड्स। तो दोस्तों देखिए मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। दोस्तों इसमें मैं पानी तो नहीं डालूंगा, लेकिन अगर इसमें नीचे लगेगा तो हल्का हल्का पानी के छींटे मार सकता हूँ। साथ साथ क्या करना है आपको, इसको बार बार देखना है और इसको बार बार चलाते रहना है ताकि ये कढ़ाई में नीचे लगे ना, क्योंकि लग गया तो सब्जी हमारी जल जाएगी और ये खराब हो जाएगी। तो इसको हम आराम आराम से धीमी आँच में पकने देंगे और इसको बार बार हम चला के देखते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलते हैं कुछ देर बाद।
तो फ्रेंड्स देखिए काफी अच्छी बनके रेडी हो चुकी है। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी दही ताकि ये अच्छा सा और स्वाद दे। तो दोस्तों इसमें डाल दिया मैंने 2 चम्मच दही के और इसको अच्छे से मिलाऊंगा। अब देखना दोस्तों इसमें क्या स्वाद आता है, एकदम गजब का। और साथ साथ दोस्तों इसमें हम डालेंगे नमक। नमक डालो आप अपने स्वाद अनुसार, मैं भी अपने स्वाद के अनुसार डालूंगा नमक, क्योंकि हम नमक थोड़ा सा तेज खाते हैं दोस्तों। अब इसको अच्छे से मिला देंगे और इसको फिर से हम 1 मिनट तक रखेंगे, लेकिन बीच बीच में चलाना मत भूलिएगा। अगर चलाए नहीं आप तो ये लग जाएगा फ्रेंड्स। इसको अच्छे से देखिए अभी अच्छे से पक जाएंगे। अब पकने के बाद हम इसको सर्व करेंगे दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम मिलते हैं 1 से 2 मिनट के। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this.